डायबिटीज के मरीज आजकल युवा भी हो रहे हैं, जिनकी बड़ी वजह गलत खानपान व लाइफस्टाइल है। इस बीमारी के कारण व्यक्ति को अपना शुगर लेवल लगातार चेक कराते रहने के साथ ही उसे कंट्रोल में रखना पड़ता है। इसमें कुछ घरेलू उपचार काफी काम आ सकते हैं। गेहूं के छोटे छोटे पौधों का रस असाध्य बीमारियों को भी मिटा सकता है। इसके रस को ग्रीन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं के जवारे का आधा कप ताजा रस रोज सुबह शाम पीने से डायबिटीज में लाभ होता है। ब्लड शुगर के स्तर को कम रखने के लिए एक महीने तक अपने प्रतिदिन के आहार में 1 ग्राम दालचीनी शामिल करें। गर्म पानी में ग्रीन टी का 1 बैग 2 से 3 मिनट तक डुबो कर रखें, फिर बैग निकाल दें और इस चाय का 1 कप सुबह या भोजन से पहले सेवन करें। डायबिटीज के रोगियों को काले नमक के साथ जामुन खाना चाहिए, इससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। करेले का रस शुगर की मात्रा कम करता है। डायबिटीज पर नियंत्रण पाने के लिए करेले का रस नियमित तौर पर पीना चाहिए। टमाटर, खीरा और करेले का मिक्स जूस सुबह सुबह खाली पेट पीने से भी डायबिटीज में बहुत फायदेमंद होता है। शलजम के प्रयोग से भी ब्लड शुगर कम होती है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज को तोरी, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का प्रयोग भी ज्यादा करना चाहिए। मेथी के दाने रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिएं और साथ में मेथी के दाने चबाएं। नियमित तौर पर ऐसा करने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। प्रतिदिन सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से डायबिटीज को कम किया जा सकता है।